हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब? आई होप आप सभी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। दोस्तों, यहां से आप सभी देख सकते हो एक बार फिर से हाजिर मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जावा स्पॉन मॉब एड ऑन के बारे में। बेसिकली मैं सेटिंग अंदर जाकर आपसे दिखा देता हूँ ये एड ऑन दिखता कैसा है। तो देख सकते हो यहाँ जाऊँगा वीर पे में, ये देखो ये है जावा स्पॉन मॉब एड ऑन। बेसिकली इसमें होता क्या है, आप सभी को पता है माइनक्राफ्ट के दो वर्जन है, जावा एडिशन एंड बेडरॉक एडिशन। तो जावा एडिशन में जो फार्म्स होती है फिर जो मॉब्स के स्पॉन होने की एफिशिएंसी होती है ना, वो बेडरॉक से ज़्यादा होती है। मतलब अगर बेडरॉक में 10 मॉब स्पॉन हो रहे हैं ना, तो सेम फार्म या फिर सेम टाइम में जावा में 30-40 मॉब स्पॉन होते हैं। तो आप सभी समझ सकते हो दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस वाले एड ऑन की मदद से आप इस डिफरेंस को ना कम कर सकते हो, समझ रहे हो? मतलब आप अपने फार्म्स में या फिर अपने वर्ल्ड में जावा जैसी एफिशिएंसी ला सकते हो इस एड ऑन की मदद से। मतलब बहुत ज़्यादा मॉब स्पॉन होने वाले हैं अगर आप सभी ये वाला एड ऑन इस्तेमाल करते हो। मान लो आपने फार्म बनाया, कोई भी फार्म बनाया, जैसे मेरे पास ये वाला फार्म है, देख सकते हो ये एक मॉब ग्राइंडर है, या फिर आप इसको मॉब फार्म बोल सकते हो, या एक्सपी फार्म भी बोल सकते हो, बोलने वाले काफ़ी कुछ बोलते हैं। लेकिन आप सभी को पता है ये बेडरॉक एडिशन में बनता है, जावा बनता है। लेकिन दिक्कत क्या थी आप सभी को पता है, जो ये जैसे माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट अपडेट आया 1.17 एंड 1.18 आया, उसके बाद ये वाला फार्म वर्क नहीं करता। पता नहीं क्यों नहीं करता, नो नहीं करता, लेकिन इसमें बाई चांस कभी कभी कोई मॉब स्पॉन हो जाता होगा, लेकिन स्पॉन नहीं होते मॉब। सब सभी को पता है यार, आप सभी ने इसको यूज़ किया होगा है ना। अगर आप सभी इस फार्म को यूज़ करना चाहते हो तो आप सभी को ये वाला एड ऑन एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। देखो भाई, अभी मैंने ये वाला एड ऑन अप्लाई कर रखा है एंड इस फार्म में मॉब देखो, मतलब कितने मॉब स्पॉन हो रहे हैं। एंड विदाउट अगर इस वाले एड ऑन का यूज़ किया आप सभी इस फार्म को बनाओगे, तो भाई एक मिनट में 2-3 मॉब स्पॉन होते हैं, एंड कभी कभी तो वो भी नहीं होते। अगर काफ़ी बड़ा वर्ल्ड है तो नहीं होंगे, अगर लेटेस्ट अभी बनाया एक वर्ल्ड है तो हो जाएंगे। लेकिन इस वाले एड ऑन का यूज़ करने के बाद तो भाई झड़ी लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा मॉब स्पॉन होते हैं। अभी देखो कितने सारे हुए थे। इस तरह से आप सभी को ये वाला यूज़ करना। जब देखो आसपास देखो कितने सारे एनिमल घूम रहे हैं, इस वाले एड ऑन की मदद से ही है ये। एंड ये एक फ्लैट वर्ल्ड है, अगर आप उसका ओवर वर्ल्ड में यूज़ करोगे ना, वो और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आप सभी खुद समझ सकते हो कि एड ऑन कितना अच्छा है, मतलब ओवर वर्ल्ड में स्पॉन होने की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है आप सभी के लिए। तो यार आप सभी को इसका यूज़ करना चाहिए। एंड अगर आप यहाँ से टॉर्चेस निकाल देते हो ना, तो यहाँ पे मॉब और भी ज़्यादा स्पॉन होते, बिकॉज नीचे टॉर्च होगी ना तो ऊपर भी स्पॉन नहीं होते वो लोग। तो देख सकते हो ये देखो भाई, मतलब जब आते हैं ना तो भाई खूब सारे आते हैं। तो अब बात करते हैं इस वाले एडोन को डाउनलोड किस तरह से करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी को लिंक दे दिया है, आप सभी को उसके ऊपर क्लिक करना है। एंड इसके बाद जो भी आप सभी को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं आप सभी को उनको कम्प्लीट करना है। एंड आप सभी को मीडिया फायर का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप सभी ईजीली इस वाले एडोन को डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज़ भी कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना इसको एक, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे ही मज़ेदार और वीडियोस के लिए। तो मैं बोलूँगा आप सभी को ऐसे ही कमाल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।